सीएम साहब के बयान रे लागू करेंगे 1932 के झारखंड में अब 1932 वाले व्यक्ति को ही थर्ड और फोर्थ ग्रेड की मिलेगी नौकरी। राज्य में आरक्षण अब 77%, लोगों में जश्न का माहौल। सीएम साहब के बयान रे लागू करेंगे 1932 के सीएम हेमंत सोरेन बोले, आदिवासी को बोका बोलते हैं, अब आदिवासी नहीं है बोका। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा से ऐतिहासिक निर्णयों वाले 2 विधेयक ध्वनिमत से पास करा दिया। अब राज्य में स्थानीयता का आधार 1932 का खतियान या उसके पूर्व का सर्वे होगा। ये सब विषय इस राज्य का आत्मा रहा है। आदरणीय गुरुजी दिसम गुरु शिव सोरेन जी के नेतृत्व में एक लंबा संघर्ष के बाद 2000 ईस्वी में राज बना। दुर्भाग्य की बात है, राज बनने के बाद इस राज का बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जिन्होंने राज के ओबीसी समूह को मिलने वाला 27% का आरक्षण को भी खत्म किया। मैडम नीचे कीजिए ना माइक, ऊपर कर दिया है, नीचे कर लीजिए ना, बराबर करके ना। स्थानीय नौजवानों के भविष्य के साथ योजनाबद्ध तरीके से खिलवाड़ हुआ। और विगत 20 सालों में इस राज के जनमानस के ऊपर जो अत्याचार हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, अनुबंध कर्मी हो, सभी के ऊपर। और आपने देखा कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुल राज्य में समस्याओं का जो और इस प्रताड़ना का जो दर्द था, उस दर्द का और आज ऐसा क्या आन पड़ा कि राज्य के मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री का घेराव फूल माला और गुलाल और बधाई देने के लिए हो रहा है। ऐसा मंजर आपने नहीं देखा होगा। सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय से इस राज्य को एक आशा और उम्मीद जो जगी है, आप गांव गांव जाके देखें। एक उत्साह और एक खुशी का माहौल है। वहीं हमारे विपक्ष विधवा लाभ रहे हैं और अपने षड्यंत्र को अनेक एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी, संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से अंजाम देने में लगातार प्रयासरत है। आज का ये निर्णय राज्य के राजनीतिक दलों के लिए, राज्य के जनमानस के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासी
और यहाँ बाहर से भी आए हुए लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है। हम लोगों ने इस राज्य को 1932 और ओबीसी का अधिकार दिया और ऐसे आंदोलनों को अंजाम तक पहुंचाने में कई रोड़े तो आते हैं, लेकिन ये रोड़ा मौजूदा रोड़ा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्पन्न किया गया रोड़ा है। इससे ना हमारी छवि खराब हो सकती है, ना हमारी राजनीतिक ताकत कम हो सकती है, बल्कि सरकार और मजबूती से आने वाला समय में, अभी कितने की हम लोगों का समर्थन, हम लोग का विधायक 52 की संख्या है, अगली बार हम लोग 75 की संख्या में रहेंगे। पूरी की पूरी जनता राज की अपनी इस अधिकार पर मोहर लगाने का गुहार करते रहेगी। प्रधानमंत्री से मिलेंगे क्या? हमने कहा अब दिल्ली में जा करके अपने अधिकारों का आखिरी मोहर लगाने का प्रयास जारी करेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने इन दोनों विधेयकों को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य की जनता से जो वादा किया वह पूरा कर दिया। पिछली सरकार ने राज्य में ओबीसी आरक्षण घटा दिया था, हमने पिछड़े के हक छीनने की उनकी कोशिश विफल कर दी। विधानसभा में इन विधेयकों पर चर्चा के दौरान विपक्ष की आपत्तियों का खारिज करते हुए कहा, आदिवासी अब बुक्का नहीं है जिसे आप लोग बुक्का समझते हैं, वही आपको थोपोच कर बाहर फेंक देंगे। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।